हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक और लेक्चर जो है वो वाइट बोर्ड पर कंडक्ट कर रहे हैं। अगेन रीजन ये है कि ये जो हम आज सेशन में टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही थियोरेटिकल टॉपिक है और मेजर जो पार्ट है वो आपको मेमोराइज करना है और याद करना है। ओके, सो इस वजह से अगेन एक और टॉपिक है ऑन द बोर्ड। ओके, सो टॉपिक इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, इससे पहले थोड़ा मैं बता दूं आपको, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्या डिस्कस किया था। राइट, हमने डिस्कस किया था अबाउट ट्रांसलेशन। राइट, ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को याद रखना है कि ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके मशीनरीज याद रखनी है, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, आरएनएज। राइट, और उसके बाद आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तीनों प्रोसेस याद रखना है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ओके, राइबोसोम याद रखना है, प्रोकैरियोटिक में होता है 70S, यूकैरियोटिक में होता है 80S। ओके, और हमेशा याद रखना है पहला जो अमीनो एसिड आएगा वो होगा मिथियोनिन, केस ऑफ प्रोकैरियोटिक इट विल बी एफ मिथियोनिन। ओके, उसके बाद इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो आज का जो लेक्चर है उसको हम शुरू करते हैं, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। राइट, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। राइट, सो जीनोम वर्ड याद रखना है स्टूडेंट्स, द वर्ड जीनोम मींस द क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ओके, इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ डीएनए इन द सेल और इन द एंटायर बॉडी। राइट, सो जीनोम ऑफ अ सिंगल सेल मतलब एक सेल का पूरा डीएनए। राइट, जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का मतलब पूरे बॉडी में कितना डीएनए प्रेजेंट है। राइट, सो प्रोजेक्ट का मतलब आपको पता चल रहा है यहां पर कि कोई एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। राइट, कुछ संस्थाएं थी वो एक साथ आकर कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी। राइट, सो उसी कोशिश का ये रिजल्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो यहां पर सबसे पहली चीज तो याद रखना है कि नो इंडिविजुअल आर सिमिलर, है कोई भी इंडिविजुअल हो दे आर नॉट सिमिलर। एक एक्सेप्शन है यहां पर, दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। राइट, सो उसको याद रखना है, मोनोजाइगोटिक ट्विन जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, बट इनके अलावा जो भी इंडिविजुअल हैं वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगे, वेदर दे आर ब्रदर और सिस्टर। राइट, या फिर पेरेंट्स एंड सन और डॉटर। राइट, या फिर आप और कोई रिलेशन ले लो। राइट, सो वहां पर आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस तो दिखाई देगा, भले ही वो डिफरेंस छोटा होगा बट माइनर होगा, बट वो दिखाई देगा आपको। राइट, सो नो इंडिविजुअल इज सेम। राइट, वाई, बिकॉज देयर डिफर इन देयर जेनेटिक मेकअप। राइट, जो उनका जेनेटिक मेकअप है वो क्या है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस इन द जेनेटिक मेकअप आर ड्यू टू डिफरेंसेस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ओके, सो यहां पर बताई गई है कुछ रीजंस कि क्यों डिफरेंस होता है इंडिविजुअल में। राइट, सो इसे याद रखना है कि जो डिफरेंस होता है इट इज ड्यू टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, द सीक्वेंस ऑफ देयर डीएनएस। अब यहां पर एडवांसेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट, एडवांसेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन डीएनए पीसेस। राइट, अभी आपको मैं बता दूं, IVF, राइट, ये एक एडवांसमेंट टेक्निक्स है। राइट, टिश्यू कल्चर ये एक एडवांस्ड टेक्निक है। राइट, सो इसी तरह के स्टूडेंट्स बहुत सारे टेक्निक्स आए हैं जिनकी वजह से हम जो चीज पहले नहीं कर पाते थे वो अब आसानी से कर लेते हैं। राइट, सो यहां पर वही चीज बताई गई है कि देयर इज अ वेरी ह्यूज एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हिच मेड इट पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन द डीएनए पीस एंड ऑल्सो डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ दीज फ्रेगमेंट। राइट, सो यहां पर इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग कि हम क्लोन तो कर ही सकते हैं डीएनए को। राइट, बट उसके अलावा उस डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसके सीक्वेंस को भी
क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो व्हाट हैपेंड, ये सब इतना क्यों बताया है, राइट? ये सब इसलिए बताया बिकॉज कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपके किससे लिंक्ड है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। ओके, सो देयरफॉर इन 1990, ये ईयर याद रखना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था इन 1990 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, राइट? ये आपको संस्थाएं भी याद रखती हैं कि कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पार्ट लिया था। ओके, सो 1990 ईयर याद रखना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, उसके बाद वहां पर कौन सी बड़ी इंस्टीट्यूट्स थी, संस्थाएं थी। ओके, सो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दोनों ही यूएस की हेल्थ बॉडीज हैं, राइट? सो दे एम्बार्क्ड ऑन द प्रोजेक्ट, दे एम्बार्क्ड ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम, राइट? दे एम्बार्क्ड ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम कॉल्ड एचजीपी। एचजीपी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट? सो ये प्रोजेक्ट था जिसमें ह्यूमन का जो पूरा सीक्वेंस है डीएनए का, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये था। ओके, सो इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। और यहां पर एक और बात मैं बताना चाहता हूं, तो यहां पर सिर्फ यूएस ने ही हिस्सा नहीं लिया था, यहां पर और भी कुछ कंट्रीज थी जैसे फ्रांस, चाइना, रशिया, ये कंट्रीज ने भी यहां पर क्या किया था, पार्टिसिपेट एक्टिवली किया था। ओके, सो इंट्रोडक्शन याद रखना है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका गोल क्या है, राइट? इसके लिए कितना खर्चा लगेगा, राइट? अब प्रोजेक्ट दिमाग में आता है, राइट? तो कहीं ना कहीं आप लोग ये भी सोचते हो कि इसमें कितना मनी जाएगा, राइट? कोई भी प्रोजेक्ट हो, से अभी हम जब किड्स होते हैं, राइट, किड्स होते हैं तो स्कूल से या कॉलेजेस से कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं बजट के ऊपर ध्यान देते हैं, राइट? तो सेम चीज यहां पर भी है स्टूडेंट्स। तो यहां पर दो चीजें और इंपॉर्टेंट होंगी, व्हाट इज द गोल एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो अब यहां पर एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि ये जो प्रोजेक्ट था इसकी इतनी पोटेंशियल थी, राइट? ये इतना महंगा प्रोजेक्ट था, अभी मैंने बात की है बजट की, राइट? सो ये इतना महंगा प्रोजेक्ट था स्टूडेंट्स कि इसमें बहुत सारे पैसे लग गए, राइट? यूएस के बहुत सारे इसमें क्या लग गए, पैसे, एज वेल एज बहुत बहुत ही ये एक लंबा प्रोसेस था, राइट? अभी मैंने बताया ये 1990 से शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं इसका डेस्टिनेशन टाइम जो फिनिशिंग टाइम था वो 2003 का था, राइट? बट उसमें भी डिले हो गया, वो 2003 में खत्म नहीं हो पाया, इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले। उससे पहले यहां पर आते हैं, राइट? सो द मैग्निट्यूड ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी इमेजिन दैट इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग अ बेस पेयर इज $3, एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए कितने डॉलर का खर्चा आता था, $3, राइट स्टूडेंट्स? सो अगर हमको 3×10^9 बेस पेयर्स, एक बेस पेयर का कितना है $3, तो ऐसे ही 3×10^9 बेस पेयर का अगर सीक्वेंसिंग करना है तो कितना खर्चा आएगा, राइट? सो इट वॉज एस्टिमेटेड $9 billion। देखो कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है, राइट? तो ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, राइट? कि एक बेस पेयर का सीक्वेंसिंग का कितना डॉलर था, या $3 जो है वो कि कितने बेस पेयर्स को सीक्वेंस कर सकता था, राइट? सो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और याद रखना है कि कितना सीक्वेंसिंग हुआ था ह्यूमन जीनोम का, कितने बेस पेयर्स का, 3×10^9 बेस पेयर्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और चीज अंदाजा लगाई गई है कि ये डेटा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये डेटा, राइट? सो इसके बारे में भी एक प्रेडिक्शन किया गया है कि इफ इफ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन बुक्स, यही चीज अगर मैं बुक में लिखूं, नोट डाउन करूं, राइट, विथ ईच बुक हैविंग 1000 पेजेस, एक बुक जो है उसमें कितने पेजेस है, 1000 पेजेस, एंड ईच पेज
ईच पेज विथ 1000 लेटर्स, राइट। सो यहां पर देखो क्या बताया गया कि अगर मुझे यही ए यू जी सी यही मुझे एक नोटबुक में लिखना पड़े जो 1000 पेज का है, और उस 1000 पेज की एक एक बुक में एक पेज पर कितने लेटर्स लिखूं मैं, 1000। तो इस तरीके से 1000 पेजेस की कितनी बुक्स लगेगी, 3300 बुक्स। इमेजिन करो कितना बड़ा डेटा है ये, राइट। तो याद रखना है, भले ही यहां पर खर्चा तो जाहिर सी बात है बहुत हुआ था, बट डेटा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जो ये डेटा मिला था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ये बहुत ही क्रूशियल था, राइट। सो व्हाट वाज द रीजन, क्यों इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था, राइट, क्यों इसको बाकी कंट्रीज ने भी सपोर्ट किया था, व्हाट वाज द गोल, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सपोर्टिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। सो उसको भी देख लेते हैं। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स, राइट। तो यहीं पर बता दिया है मैंने, सबसे पहला गोल था कि देखा जाए, उसको डिटरमाइन किया जाए क्या सच में 3×10^9 बेस पेयर है, राइट, इन द ह्यूमन जीनोम। इसके अलावा सेकेंड गोल था टू आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम। तो सेकेंड गोल था क्या सच में 20,000 से 25,000 टाइप की जीन्स हैं, राइट। उसके बाद टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ ऑल द जीन्स, तो तीसरा जो गोल था वो था टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ ऑल द जीन्स। चौथा फंक्शन टू आइडेंटिफाई वेरियस जीन्स दैट कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर, चौथा गोल था टू फाइंड आउट द जीन्स दैट कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड फिफ्थ गोल वॉज टू स्टोर दीज इंफॉर्मेशन इन द डेटा बेसिस, राइट। सिर्फ सीक्वेंसिंग करने से काम नहीं चलेगा, इतना पैसा खर्चा करके सीक्वेंसिंग किया है तो उसका जो डेटा है उसको क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, राइट। इसके अलावा एक और गोल था, देखो यहां पर ह्यूमन का सीक्वेंसिंग कर रहे थे, राइट, डीएनए का, तो कहीं ना कहीं यहां पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, राइट। तो यहां पर सोशल इश्यूज हो सकते हैं, एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, राइट। तो इन सब चीजों को भी प्रॉपरली एड्रेस करना जरूरी था, राइट। सो यहां पर यह भी एक गोल था कि बताना था कि हम जो कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिकेटेड तरीके से कर रहे हैं, और यहां पर किसी भी ह्यूमन को कोई भी नुकसान नहीं होगा, राइट। सो इसको याद रखना है स्टूडेंट्स कि व्हाट वाज द गोल, पहला गोल था टू सीक्वेंस द 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, सेकंड गोल था टू फाइंड आउट 20,000 to 25,000 टाइप्स ऑफ जीन्स, तीसरा गोल था टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ऑल द जीन्स, चौथा गोल था टू फाइंड आउट द जीन्स दैट कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर, और फिफ्थ गोल था टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। अब यहां पर बात याद रखना है स्टूडेंट्स, जो भी ये डेटा इंफॉर्मेशन निकलेगी इसको एक बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स के जरिए और बाकी कंप्यूटेशनल टूल्स के जरिए इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, राइट। कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा यहां पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, ये पूरा सीक्वेंस जो है उसको क्या कर रखना है, स्टोर कर रखना है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड आ जाता है बायोलॉजी का, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसका बहुत बड़ा रोल था इन दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि मैंने बताया, इसकी शुरुआत जो है वो 1990 में हो चुकी थी, राइट, और इसका जो एस्टिमेट टाइम था कंप्लीशन का वो था 2003। ये भी स्टूडेंट्स याद रखना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन थी 2003। ओके, नाउ याद रखना है कि ये 2003 में कंप्लीट नहीं हो पाया था, थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। सो ऑन February 12, 2001 अ फॉर्मल अनाउंसमेंट अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज मेड। ओके, सो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की थी 2001 में प्रोजेक्ट कंप्लीशन की, राइट। उसके बाद हाउएवर अनाउंसमेंट ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स केम इन May 2006। ओके, फॉर्मली उन्होंने बता दिया था 2001 में ही,
बट एक क्रोमोसोम था, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1, जिसका सीक्वेंसिंग करना बचा हुआ था, और इस वजह से 2003 में ये प्रोजेक्ट ना कंप्लीट होकर 2006 तक स्ट्रेच हो गया. ओके, सो विथ द कंप्लीशन ऑफ असाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1, तो जैसे कि मैंने बताया, याद रखना है कंप्लीशन टाइम था 2003, हुआ 2006 में कंप्लीट बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1, उसका सीक्वेंसिंग नहीं हुआ था. ओके स्टूडेंट्स, मैं एक और चीज बता दूं यहां पर, तो याद रखना है ये एक सेल में जो क्रोमोसोम है उनका जो डीएनए है उसको सीक्वेंस होने की बात कर रहे हैं. ओके, इसको याद रखना है. अब याद रखना है एक और बात की, जो सेल्स होते हैं उनका डीएनए ही डिसाइड करता है कि ये सेल को क्या बनना है. इस सेल को न्यूरॉन बनना है, इस सेल को हिपैटिक सेल बनना है, इस सेल को नेफ्रॉन बनना है, राइट? तो वो जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है मास्टर मॉलिक्यूल में, डीएनए में, वही डिसाइड करती है कि ये सेल क्या बनेगा. ठीक है, तो याद रखना है यहां पर हम जो भी बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वहां पर हम बात करेंगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के प्रोस्पेक्ट में. ओके, हम पूरा ही बॉडी के सेल्स पर नहीं काम कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अ सेल विथ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. ओके, तो उसी प्रोस्पेक्ट में हम यहां पर बात करेंगे, राइट? तो क्लियर रखना है कि पूरा ह्यूमन सेल, हर एक सेल को नहीं सीक्वेंस किया गया था. ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज्यादा और पैसे लग जाते हैं, शायद बहुत ही ज्यादा, राइट? और तो वहां पर याद रखना है कि एक सेल का जो क्रोमोसोम है उसको सीक्वेंस किया गया था. ठीक है, सो ये डाउट नहीं रखना है अपने दिमाग में. आगे बढ़ते हैं, मेथडोलॉजी, राइट? क्या मेथड यूज किया था टू एनालाइज द जीनोम. सो फर्स्ट जो मेथड था वो था कि हम आइडेंटिफाई कर लें ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस एज आरएनए, दैट एक्सप्रेस एज एमआरएनए. ठीक है, तो पहला जो मेथड अपनाया था उन्होंने बोला था कि क्यों ना हम ऐसा मेथड लें जहां पर सिर्फ ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, मतलब प्रोटीन्स बनाते हैं, राइट? और उस मेथड का नाम याद रखना है एक्सप्रेस्ड, मेथड का नाम क्या है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. क्या नाम है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, विच इज नोन एज ESTs. व्हाट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ऐसा मेथड है जहां पर हम ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि किसके लिए कोड करते हैं, प्रोटीन्स के लिए, या फिर किसके लिए एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस होते हैं, एज एमआरएनए. आई रिपीट, व्हाट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, इट इज द टेक्निक जहां पर वी आइडेंटिफाई द जीन्स दैट are expressed as mRNA. But सोचो क्या ये टेक्निक सही होती, राइट? ये सही नहीं होती बिकॉज हमको सिर्फ कोडिंग जीन्स का नहीं, हमको सभी जीन्स के बारे में पता लगाना है ना. अब पूरा डीएनए का हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो क्यों हम सिर्फ ऐसे ही जीन्स को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो कोडिंग है. हम सबको ही देखेंगे, कोडिंग जीन्स को भी देखेंगे एज वेल एज नॉन कोडिंग जीन्स को भी देखेंगे ना, राइट? क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आधा अधूरा नहीं काम करना है. वी हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर मैनर. सो इसके वजह से दूसरी टेक्निक देखते हैं जो एक्चुअल में यूज की गई थी इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट? सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, पूरा जीनोम, कोडिंग नॉन कोडिंग कोई फर्क नहीं, बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स एंड लेटर असाइनिंग द डिफरेंट रीजन्स, ओके, विथ फंक्शंस. उनको बाद में असाइन किया जाएगा कि ये कोडिंग है या नॉन कोडिंग है. ओके, सो इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन. इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन. तो दो टेक्निक थी जिसमें से जो दूसरी वाली है उसका इस्तेमाल किया गया था, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, सो टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद फाइनली 1990 से शुरू करते करते ये सफर 2006 तक चला, और 2006 में फाइनली उन्होंने जो ह्यूमन सेल का क्रोमोसोम का डीएनए है उसको सीक्वेंस कर दिया. ओके, अब देखो ये सीक्वेंसिंग के बाद क्या क्या उनको दिखाई दिया. ह्यूमन जीनोम हैज 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, राइट? कितने हैं,
3.1647 बिलियन, राइट। सो गोल जब डिस्कस किया था हमने टॉपिक, तो वहां पर देखा था, बताया था 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, तो वो चीज उनको सीक्वेंसिंग के बाद मिल गई। आगे बढ़ते हैं, एवरेज जीन साइज इज 3000 बेस पेयर, द लार्जेस्ट जीन इज दैट ऑफ डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑन एक्स क्रोमोसोम। ओके, सो एवरेज जीन साइज था 3000 और जो लार्जेस्ट जीन था वो था ऑन द डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑन एक्स क्रोमोसोम, राइट। उसका कितना था लेंथ? 2.4 मिलियन बेस पेयर्स, बहुत बड़ा, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ अबाउट 30,000 जीन्स। देखो मैंने बताया था गोल्स में कि 25,000 जीन्स का एस्टिमेट था, राइट। तो इनफैक्ट 25,000 से ज्यादा पाए गए, इट वॉज 30,000 जीन्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम वन, ध्यान से देखो, क्रोमोसोम वन हैज 2968 जीन्स, ये जीन का नंबर बता रहा है, 2968 जीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम नंबर वन पर, विच इज द हाईएस्ट। इस वजह से ही देखो कितना टाइम लगा था, 2003 में एस्टिमेट था कंप्लीट करने का, बट 2006 तक पहुंच गया। द रीजन वॉज दैट कि फाइनली वो लोग क्रोमोसोम वन पर सीक्वेंसिंग कर रहे थे और उसमें टाइम लग गया बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स थे। तो 2968 जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर वन, विच इज द हाईएस्ट। वाइल Y chromosome has 231 genes, which is the least. Least number of genes are present on Y chromosome, maximum number of genes are present on chromosome number 1. आगे बढ़ते हैं, the function of over 50% of discovered gene is unknown. 50% से ज़्यादा या 50% जो genes हैं उनका function was not known. Less than 2% of the genome, less than 2% of the genome represent structural genes that code for proteins. देख रहे हो students, पूरे body में जो structural gene, मतलब ऐसे genes जो protein बनाते हैं, उनकी जो percentage है 2 से कम है, less than 2% of the gene represent the structural genes. Okay, so ये भी याद रखना है MCQs में, इसमें से भी काफी questions आ सकते हैं. Okay, ये बहुत important है, यहां पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लीस्ट एंड द मोस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, 99.9% ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, ऑफ द न्यूक्लियोटाइड आर एग्जैक्टली सिमिलर, देयर एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इंट्रोडक्शन में बताया था कि सब में ही, सभी जो ह्यूमन से उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, राइट। So, वो डिफरेंस जो है वो कितना परसेंट होता है? ओनली 0.1%। 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड होंगे दे विल बी एग्जैक्टली सिमिलर, बट 0.1% जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो यहां पर ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स समझने हैं और इसको आपको अच्छे से याद रखना है, स्पेशली ऑल दीज पॉइंट जो मैंने भी मेंशन किया, ये भी याद रखना है। लेस देन 2% क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ दी जीन्स कोड फॉर प्रोटीन। ओके, सो वहां पर आप लोगों को आंसर आना चाहिए, राइट। 2 आएगा तो 2 भी लिख सकते हो, लेस देन 2, किसी किसी बुक में 2 दिया है, किसी किसी बुक में लेस देन 2 दिया हुआ है। ओके, यहां पर भी याद रखना है कि ओनली 0.1% जो ह्यूमन न्यूक्लियोटाइड है या जीनोम है उसी में डिफरेंस है, रेस्ट 99.9% इज एग्जैक्टली द सेम। नेक्स्ट इज दैट अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस, ओके, एट अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस अकर सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस। तो पूरे जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उनमें ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं जहां पर जो जीन्स में है एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होता है, राइट। इसको बोलेंगे SNPs। व्हाट इज SNPs? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म,
राइट right. सो याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस दिखाई देता है अलग अलग जीन्स में, विच इज ऑल्सो नोन एज स्निप्स. ओके, इसको एक और नाम क्या है, स्निप्स. रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस जिनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बहुत बार रिपीट होता है, मे बी 1000 times. ओके, अब ये रिपीटेड सीक्वेंस का काम जो है वो जीन का जो फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, स्ट्रक्चरल जीन का जो फंक्शन होता है वो इन रिपीटेड सीक्वेंस का काम नहीं होता है. इनका काम होता है कि वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर राइट उसको देखें, उसके अलावा उसका डायनेमिक्स, इवोल्यूशन, इन सब को इंडिकेट करने के लिए ये रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं. ओके, नाउ अप्रोक्सीमेटली 1 million कॉपीज ऑफ शॉर्ट, 1 million कॉपीज ऑफ शॉर्ट 5 to 8 बेस पेयर रिपीटेड सीक्वेंस आर क्लस्टर्ड. 5 to 8 बेस पेयर रिपीटेड सीक्वेंस आर क्लस्टर्ड अराउंड द सेंट्रोमियर एंड नियर द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम. दो जगह पर ये जमा हुए हैं एंड दे रिप्रेजेंट द जंक डीएनए. ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना है जंक डीएनए कहां कहां होता है, सेंट्रोमियर्स एंड नियर द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स. सो ये सारा जो है, दिस इज द फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. 10 फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, 10 के 10 आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, राइट. सो ये था ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग. अब नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का भी सीक्वेंसिंग किया गया था, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का भी सीक्वेंसिंग किया गया था. एग्जाम्पल आप ले सकते हो बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के जीनोम को सीक्वेंस किया था ई कोलाई के, किसके, बैक्टीरिया ई कोलाई के जीनोम को सीक्वेंस किया गया था. और आप हैरान हो जाओगे जानकर कि जो जीन्स होते हैं, नंबर ऑफ जीन्स, दे आर लेस इन बैक्टीरिया एज कंपेयर टू ह्यूमंस. और कितने टाइम लेस है, 6 times less जीन जो है बैक्टीरिया में पाए जाते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमंस, ठीक है. इसके अलावा ईस्ट का भी जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया था, राइट. उसके अलावा दे हैव ऑल्सो सीक्वेंस माउस, माउस का भी जीन का सीक्वेंसिंग किया गया था. निमेटोड के जीन को भी क्या किया था, इन्होंने सीक्वेंस किया था. ओके, और फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, उसका भी जीन का सीक्वेंसिंग किया गया था. तो उसमें भी एक चीज पता चली कि जो ह्यूमन में जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ड्रोसोफिला. कितने टाइम्स ज्यादा, 2 times ज्यादा जीन्स पाए जाएंगे. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी. सो ये थोड़े स्टैट्स हैं, इसको आप लोगों को नोट डाउन कर रखना है. आप वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, सो यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सा सेल यूज किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, WBC. ओके, सो WBC सेल वॉज यूज फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. एंड याद रखना है कि कौन से क्रोमोसोम का सीक्वेंसिंग हुआ था. तो क्रोमोसोम 1 to 22, दैट इज ऑटोसोम्स का एक्स एंड वाई, ये टोटल 24 क्रोमोसोम्स थे जिनका सीक्वेंसिंग हुआ था, है ना. देखो एक्स एक्स इन केस ऑफ फीमेल, एक्स वाई इन केस ऑफ मेल, ऐसा कुछ वहां पर डिफरेंशिएट नहीं किया था, एक्स का और वाई का किया था, क्योंकि एक्स जो है वो सेम ही होगा, राइट. सो एक्स का किया था और वाई का. तो इस तरीके से टोटल 24 क्रोमोसोम का सीक्वेंसिंग डीएनए का किया गया था. ओके, सो दिस वॉज अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड थैंक यू.